मैंने अभी अर्ज की कि इतनी तरक्की कि आपने सोची नहीं होगी, ऑप्शंस इतनी ज्यादा कि आपने सोची नहीं होगी, उनको यूटिलाइज करना। अल्लाह मौके देता है, उससे आगे इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अपनी अकल को, सोच को, समझ को, अपने इल्म को ब्रूएकार लाते हुए उससे फायदा उठाए तो तरक्की करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने पहले भी बात की थी ज़ोहल के असरात की। ज़ोहल ज़ोडियक सिस्टम में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है, जज का रोल प्ले करता है, उस्ताद का रोल प्ले करता है, टास्क मास्टर का रोल प्ले करता है। ज़ोहल की अच्छी पोजीशन इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबियां देती है और ज़ोहल की बुरी पोजीशन कमज़ोरियों, ताख़ीर और नुकसान का इशारा देती है। इसी तरह ज़ोहल मज़बूत होता है तो इंसान पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, उसके अंदर अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा होता है। ज़ोहल नेगेटिव होता है तो इंसान बुरी आदात में फंसता जाता है, माली नुकसान भी हो जाते हैं, इज्जत जो है वो भी उसमें हरफ आ जाता है। ज़ोहल की पोजीशन हमने पहले अर्ज किया था कि ज़ोहल की पोजीशन जो है वो बेटर हो रही है, और ज़ोहल की एक जो इस वक्त ट्रांजिशन बन रही है जो अभी शुरू हो चुकी है जून की 17 तारीख से, जिसका पहले हमने तफसील से भी जिक्र किया था, अब उसके बारे में ख़ास तौर पर आगे हमने कहा था कि इस सीरीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। तो वो जो जून की 17 तारीख से नवंबर की 3 तारीख तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है, तो जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये वापस आया है अपने अपने ही घर में, एक्वेरियस में। 30 साल के बाद ये अहम तरीन जो है वो सिचुएशन बनी है। अब इस सिचुएशन के असरात बहुत सारे सितारों के ऊपर पॉजिटिव भी होंगे और बहुत सारे सितारों के ऊपर नेगेटिव भी। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव का जिक्र करते हैं तो ये कुछ बुरूज को कामयाबियां देगा, कुछ बुरूज के फाइनेंशियल्स को बहुत बेहतर करेगा, उनके माली मामलात को बेहतर करेगा, उनके घर के मामलात को बेहतर करेगा, स्पेशली ये इनकी पार्टनरशिप्स को बेहतर करेगा, बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स हों, लाइफ पार्टनरशिप्स हों, रिलेशनशिप्स हों, उसको ये सैटर्न जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत करने का बायस बन रहा है। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर वर्किंग विमेन, यानी जितनी ख़वातीन जो काम और कारोबार करती हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। ज़ोहल के असरात जिनके ऊपर पॉजिटिव होंगे, मैंने अर्ज किया कि वो रूहानियत की तरफ, नेकी की तरफ, अल्लाह की तरफ उनका रुजू बढ़ेगा, और ये बड़ा ही शानदार टाइम है। हमने अभी एक वीडियो अपलोड की है अगस्त के 4 मोस्ट लकी स्टार्स। वो जो लकी स्टार्स हम जो है वो डिफाइन करते हैं वो परसेंटेजेस की बुनियाद पर करते हैं। अब हम आपको 3 उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये ज़ोहल की पोजीशन की वजह से आने वाले महीने में, यानी जुलाई के आखिरी दिनों में और अगस्त पूरे में जो है वो तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़े तौर पे, जिनकी ज़िंदगी में एक नया दौर आ रहा है, जिनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतर दौर का आगाज हो रहा है। अब उन 3 स्टार्स के बारे में जिक्र करते हैं कि जिनको अल्लाह की तरफ से अ पाथ टू बी अ मिलियनेयर,
यानी मिलियनेयर होने का रास्ता अल्लाह की तरफ से उनको दिखाया जा रहा है। इस वक्त को अगर वो यकसुई के साथ अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अपने काम को दयानतदारी से करें, डट के लगे रहें, तो बहुत अच्छे असरात उनके ऊपर आएंगे और शायद इतनी तरक्की होगी कि वो खुद भी हैरान रह जाएंगे। पहला स्टार जिसके ऊपर इसके असरात पड़ेंगे, जो कि शुरू हो चुके हैं, जुलाई में उनको अपनी इर्द गिर्द चीज़ें फील हो रही होंगी, और तकरीबन 17 जुलाई से ऑनवर्ड इनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और नवंबर की 3 तारीख तक इनका ये मामला बड़ी तेज़ी से बेहतर होगा। वो पहला स्टार है टॉरस। टॉरस के लिए ये एक नए दौर का आगाज़ है। वो जो इनके अंदर फियर्स थे, वो जो इनके अंदर सोचें थी, वो जो ये अपने काम करते हुए सोचते थे कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, वो फियर्स ख़त्म हो रहे हैं। मैंने अभी अर्ज़ की कि इतनी तरक्की कि आपने सोची नहीं होगी, ऑप्शंस इतनी ज़्यादा कि आपने सोची नहीं होगी, उनको यूटिलाइज़ करना। अल्लाह मौके देता है, उससे आगे इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अपनी अकल को, सोच को, समझ को, अपने इल्म को ब्रूएकार लाते हुए उससे फ़ायदा उठाए तो तरक्की करे। वो नौकरी पेशा जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, पब्लिक मैनेजमेंट के लोग हैं, पब्लिक प्लानिंग के लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोग हैं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनको अपनी नौकरियों में, नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको अपनी नौकरियों में मराहत मिलने का चांस है, उनकी तनख्वाहें बढ़ने के चांस हैं, कोई साथ, कुछ चीज़ें, कोई गाड़ियाँ, कोई घर वगैरह मिलने के चांस हैं। इसके अलावा कोई अच्छी तनख्वाह का पैकेज भी इनको मिल सकता है, किसी दूसरी जॉब में भी, यानी इनकी जॉब चेंज होने के चांसेस भी हैं। माली सूरत हाल इनकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें इनके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन करना सिर्फ ये है कि अल्लाह के साथ जुड़े रहें, मनफी चीज़ों से बचे रहें, जितना मजबूत रहेंगे, जितना दयानतदारी से, जितना डूब के अपना काम करेंगे वो करते रहें, देखें अल्लाह क्या करता है। अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान है, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान था, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। करना सिर्फ यही है कि सबसे ज़्यादा किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। तो देखिएगा ये टॉरस के लिए कितना अच्छा टाइम है। दूसरा स्टार जिसके ऊपर इसके बहुत ज़बरदस्त असरात पड़े हैं वो है लिब्रा। अगर ये कहा जाए कि लिब्रा की ज़िंदगी में अब खुशियाँ बारिश की तरह बरसेंगी, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी उदासी आ गई, इनके अंदर एक ख्याल आ रहा था कि शायद हमारा कुछ बुरा होगा, या फियर्स थे, अब वो फियर्स दूर होने का वक्त है। अपने काम के ऊपर काम ध्यान दें, अपने कारोबार के ऊपर ध्यान दें, अपनी नौकरी के ऊपर ध्यान दें, अपने चीज़ों को ध्यानदारी से करना शुरू करें, इतनी बड़ी तरक्की मिलेगी कि दुनिया देखेगी आपका अरूज। पॉजिटिव मटेरियलिज्म बन रहा है। पॉजिटिव मटेरियलिज्म का मतलब है, पॉजिटिव मटेरियलिज्म एक टेक्निकल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन के लिए। यानी इनके घर बेहतर हो रहे हैं, घरों की तज़ीनो आराइश हो रही है, गाड़ियाँ इनकी बेहतर हो रही हैं, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है। इसके अलावा माली फ़ायद ज़्यादा होने के चांसेस हैं, गैर मतवक्को मुनाफा आ सकता है, लेकिन शायद थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाए। खर्चे पर कंट्रोल कर लें तो बड़ी सेविंग कर सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं। समझदारी से सरमायाकारी करें, समझदारी से सरमायाकारी करेंगे तो कामयाब हैं। लालच के तहत रिस्क लेके सरमायाकारी से गुरेज कर लें, किसी भी उस कागज़ के ऊपर उस वक़्त तक साइन ना करें जब तक आपको उसके मुकम्मल जो है वो इन चीज़ों का इल्म ना हो, आपको मुकम्मल तौर पर समझ ना हो। बिला वजह किसी कागज़ पर साइन मत कीजिएगा तो आप बहुत कामयाब हैं। अपने सोशल सेक्टर को साथ लेके चलिए, अपने बुज़ुर्गों की बात सुने, अपने जो है ऑफिसर्स की, या अपने जो एल्डर्स हैं जो आपके बिज़नेस के बड़े हैं, उनकी बात सुने,
और उनके मुताबिक प्लान करें, लेकिन फैसला खुद करें। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। और एक चीज़ जिससे एहतियात कर रही है वो ये है कि अपनी चीज़ों को लोगों से शेयर ना करें, नज़र लगने के चांसेस हैं। तीसरा स्टार जिसका इनका ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, बड़ी अहम तरीन ज़िंदगी के फ़ायद हासिल करें, वह है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं, वो सारे काम जिनके लिए वो लंबे अरसे से कोशिशें कर रहे थे वो होती हुई नज़र आ रही हैं, रुके हुए काम इनके तकमील तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश बड़ा फ़ायदा देने जा रही है। नौकरी पेशा हजरात को ख़ास तौर के ऊपर बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, तनख्वाहों में इजाफे के मामलात इनके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा इनकी तरक्की जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इनमें चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, इंशाल्लाह इनके मामलात अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिज़नेस के जो लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के, उनमें मुनाफा इनका ज़्यादा बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। इसके अलावा घरेलू मामलात से इनको सुकून मिल रहा है, वो जो इनकी आधी तवज्जो घर की तरफ और आधी कारोबार की तरफ से वो हट जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएगा और घर भी सुकून में आ जाएगा। इस वक्त जो इनकी सबसे बड़ी कंजक्शन बन रही है वो ये बन रही है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, पैसा और अल्लाह की करम नवाजी, ये सारा कुछ शामिल हाल हो रहा है। और ये पोजीशन जो है ये ख़ास तौर के ऊपर जो शुरू हो चुकी है वो जुलाई के मिड के बाद, यानी 17 जुलाई के बाद इसके असरात बढ़ते जाएंगे और ये 3 नवंबर तक लगातार रहेंगे इन तीनों स्टार्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला। लेकिन जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि ये जो सैटर्न है ये एक उस्ताद का भी टास्क अदा करता है और इस वक्त जो है ये जोहल इनको इनके आमाल के मुताबिक बहुत तरक्की देगा, यानी अगर दूसरों के ऊपर ये जो है वो करम नवाजी करेंगे, दूसरों का ध्यान रखेंगे, तो ये अल्लाह की तरफ से जो रूहानी ताकतें हैं, अल्लाह की तरफ से ये जो सियारों की एनर्जी है ये इनको फेवर करेगी। लेकिन अगर किसी को परेशान करेंगे तो फिर इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त चूँकि ज़्यादातर इनकी जो चीज़ें हैं वो 7th हाउस में बेहतर हो रही हैं इन तीनों स्टार्स की, तो 7th हाउस कारोबार में बड़ी कामयाबियों को डिपेक्ट करता है, अज़्दवाजी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है, हेल्थ बड़ी बेहतर होती है और इनकी एज यानी इनकी उम्रों में जो है वो इजाफे का बायस बनती है। हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी एज जो है वो बढ़ेगी। नाज़रीन हम कोशिश करते हैं कि जो भी एक कोई अहम जो है वो कंजक्शन बने, कोई भी ट्रांजिशन बने स्टार्स की, उसके बारे में हम आपको आगाही देते रहें। हमें आपके कमेंट्स का, आपकी सपोर्ट का इंतज़ार रहता है, आप हमें बताते रहें कि आप क्या जानना चाह रहे हैं ताकि हम जो है वो उसके मुताबिक आपको गाइड करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करे, आपको सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर का वफ़ादार रखे। अल्लाह आपके ऊपर सदा करम का साया बनाए रखे। सदा खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।